हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स के बारे में। तो रिकॉर्ड नंबर 1, 6 sixes। हाल ही में हुए वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका के मैच में कैरन पोलार्ड ने 6 बॉलों पर 6 छक्के लगा के विश्व के तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए। कैरन पोलार्ड ने श्रीलंका के स्पिनर अखिला धनंजय की 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए थे। हालांकि अखिला धनंजय ने उस ओवर से पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी, लेकिन फिर भी तब अखिला अपना दूसरा ओवर डालने आए तो उनकी 6 बॉलों पे कैरन पोलार्ड ने 6 छक्के लगा दिए। कैरन पोलार्ड ने 11 बॉलों में 38 रन बनाए, जिसमें से 6 बॉलों पे 36 रन उन्होंने अकेले ही बना लिए थे। इस लिस्ट में दूसरा नाम है युवराज सिंह का। युवराज सिंह, डेट थी 19 सितंबर 2007, मैच था वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज सिंह ने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे। युवराज सिंह का टोटल स्कोर था 58 रन, वो भी मात्र 16 बॉलों में, और इंडिया उस मैच को 18 रन से जीत गया था। शायद ही कोई भारतीय होगा जो इस मैच को भूला होगा। हर्षल गिब्स वर्ल्ड के पहले ऐसे बैट्समैन जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए थे। सन था 2007, मैच था वर्सेस नीदरलैंड। डैन वान की बॉल पे इन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के मार के विश्व के पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए थे। इनका टोटल स्कोर 72 था, जो कि जस्ट 40 बॉलों में था, और इन्होंने साउथ अफ्रीका को 353 रन का स्कोर ओनली 40 ओवर्स में ही चेस करवा दिया। कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल में तो नहीं लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जरूर 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए हैं, उनके नाम आपके सामने हैं। रिकॉर्ड नंबर 2। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम विश्व में इकलौती ऐसी टीम है जिसने कि 60 ओवर्स, 50 ओवर्स और 20 ओवर्स तीनों ही वर्ल्ड कप में ट्रॉफियां जीती हैं, तीनों ही वर्ल्ड कप में वो विनर रहे हैं। जी हाँ, ये अब तक कोई नहीं कर पाया है। पहला वर्ल्ड कप 1987 में कपिल देव की कैप्टनसी में इंडिया ने 43 रन से इस वर्ल्ड कप को जीता था, जिसमें उन्होंने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को हराया था, और ये सब हुआ था लॉर्ड्स के मैदान पे। जी हाँ, लॉर्ड्स के मैदान पे, और वो 2 बार विनर थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, उस टाइम की सबसे तगड़ी टीम मानी जाती थी, और उस टीम को हराया था। 2007 T20 वर्ल्ड कप 24 सितंबर को इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 में हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। ये मैच साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, जिसमें इंडिया 5 रन से जीत गया था। लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए थे, पहली बॉल वाइड थी, दूसरी पे बिल्डॉलग ने छक्का मारा और तीसरी पे वो आउट हो गए थे। और लास्ट वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था वो 2011 में 2 अप्रैल को जीता था। श्रीलंका को हरा के इंडिया ने 2011 में 28 साल बाद 50 ओवर्स का कोई वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें श्रीलंका ने 274 रन बनाए थे और इंडिया ने उस मैच को 6 विकेट से जीत लिया था। और इस प्रकार इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने 50, 60 और 20 तीनों ही फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में ट्रॉफी जीती। रिकॉर्ड नंबर 3, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सिक्स। दोस्तों, आपने लंबे लंबे सिक्स का तो बहुत रिकॉर्ड सुना होगा, पर मैं आज आपको वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट सिक्स का रिकॉर्ड बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 2002, राशिद लतीफ ने वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सिक्स बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। आइए देखते हैं वो कैसा था। पाकिस्तानी प्लेयर राशिद लतीफ ने स्कूप किया और वो बॉल सीधा जाके हेलमेट पे लग गई। जी हाँ, वो बॉल जाके सीधा हेलमेट पे लग गई, और वो हेलमेट जो था वो सिर्फ 3 मीटर की ही दूरी पे था। और पेनल्टी के हिसाब से क्रिकेट में ये रूल होता है कि अगर बॉल हेलमेट पे लग जाती है तो उसको 5 रन देते हैं, और उसी के साथ साथ राशिद लतीफ ने एक सिंगल भी ले लिया था, तो टोटल हुआ 6 रन। जी हाँ, टोटल हुआ 6 रन, और ये मात्र 3 मीटर का छक्का था। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। बॉल जाके सीधा कीपर के हेलमेट पे लगी, और एक बॉल हेलमेट पे लगने के 5 रन और 1 रन सिंगल से, तो टोटल हो गए 6, और ये था वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सिक्स। रिकॉर्ड नंबर 4, 1 बॉल 20 रन। 2012 में बिग बैश की लीग हॉबर्ट हरिकेन्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के बीच हुए मैच में ट्रेविस बिट ने क्लाइंट मैकाय को 1 बॉल पे 20 रन बनाए। जी हाँ, 1 बॉल पे 20 रन का स्कोर किया। पहली बॉल पे उन्होंने स्मैश करके एक छक्का लगाया, और उसके बाद 9 बॉल पे फिर छक्का, और उसकी अगली 9 बॉल थी उस पे भी छक्का। इससे पहले ये कारनामा किया था रिकी पॉन्टिंग ने। रिकी पॉन्टिंग ने 1 बॉल पे 21 रन बनाए थे 12 मार्च 2006 को। रिकी पॉन्टिंग ने
साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बॉल पे 21 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। रिकॉर्ड नंबर 5, मोस्ट डक इन आईपीएल। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम तो मुंबई इंडियंस है ही, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उसी टीम के कैप्टन रोहित शर्मा, जो कि इंडियन टीम के ओपनर भी हैं, उन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा डक बनाए हैं। जी हाँ, रोहित शर्मा के नाम आईपीएल में सबसे ज़्यादा डक बनाने का रिकॉर्ड है। और उनके अलावा कुछ प्लेयर और भी हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।